बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं। इनमें से एक बॉलीवुड सिंगर और एंकर आदित्य नारायण और उनकी वाइफ और एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल भी हैं। दोनों ने कुछ समय पहले ही शादी की है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार जग जाहिर करते नजर आते हैं। हाल ही में दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब आदित्य ने एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है। आइए आपको दिखाते हैं वो पोस्ट। पहले ये जान लीजिए कि आदित्य नारायण ने 3 अप्रैल 2021 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने और अपनी वाइफ श्वेता के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी शेयर की थी। शेयर की गई फोटो में आदित्य अपनी वाइफ के साथ नजर आ रहे थे। इस फोटो में दोनों ने विंटर आउटफिट कैरी किया हुआ था, जिसमें दोनों की स्माइल बेहद प्यारी लग रही थी। इसके साथ आदित्य ने कैप्शन में लिखा, हेलो सभी को, दुर्भाग्यवश मेरी वाइफ श्वेता और मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और हम दोनों क्वारंटीन में हैं। प्लीज सुरक्षित रहिए, प्रोटोकॉल को लगातार फॉलो कीजिए और अपनी प्रार्थना में हमें शामिल करिए, ये भी गुजर जाएगा। श्वेता अग्रवाल ने भी इस पोस्ट को रीशेयर किया था। अब आइए आपको दिखाते हैं आदित्य नारायण का लेटेस्ट पोस्ट। दरअसल सिंगर ने 8 अप्रैल 2021 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपनी लेडी लव श्वेता के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो में देखा जा सकता है कि श्वेता अपने लविंग हस्बैंड आदित्य की गोद में बैठी हुई है और दोनों के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल है। वहीं लुक की बात करें तो दोनों ने विंटर वियर कैरी कर रखा है। इस फोटो को शेयर करते हुए आदित्य ने एक मजेदार कैप्शन भी दिया है। उन्होंने लिखा है, बुखार में और हेल्थ में इस लाइन को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया हमने, श्वेता अग्रवाल। इसके साथ उन्होंने एक फनी इमोजी भी शेयर किया है। इस पोस्ट पर उनके फैंस अपना खूब प्यार लुटा रहे हैं और उनकी जल्दी रिकवरी की कामना कर रहे हैं। वहीं आदित्य नारायण की लेडी लव श्वेता ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो किसी नाव में बैठी हुई नजर आ रही है। इस फोटो में श्वेता ने पाउट बनाया हुआ है और उनके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है। आदित्य नारायण के पिता आदित्य नारायण ने अपने बेटे और बहू श्वेता की हेल्थ रिपोर्ट मीडिया को दी थी। उन्होंने कहा था, आदित्य ने खुद को एडमिट कराया था और शायद उन्होंने ये खुद को क्वारंटीन करने के लिए किया था, वो अभी बेहतर है। उदित ने यह भी बताया कि मुझे अभी आदित्य ने मैसेज कर बताया है कि पापा मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, बस मेरे लिए दुआ करिए। फिलहाल आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल जल्द ठीक हो जाएं, ऐसी हम दुआ करते हैं। वैसे आदित्य का ये पोस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही।